पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम वहाँ की न्यायपालिका को पढ़ चुके थे कि चाइना में न्यायपालिका के पास में बहुत अधिक पावर नहीं है, वो ना ही तो संविधान में व्याख्या कर सकती है, ना ही राज्य परिषद या फिर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन कर सकती है। तो क्योंकि वह वहाँ के एनपीसी के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए चाइना में न्यायपालिका जो है कमज़ोर मानी जाती है। आज हम देखिए, हमें करना है चाइना में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। चाइना के संविधान की विशेषताएं भी हमारी हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चाइना में कार्यपालिका। तो चाइना में कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, चाइना में कार्यपालिका क्या है, उसके बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था कि चाइना में कार्यपालिका को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल, या देखिए एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। चाइना में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, चाइना में एक सदनीय ही व्यवस्थापिका होती है, एनपीसी यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। देखिए, यहाँ इनकी रचना कैसे होती है। सबसे पहले तो ये एक सदनीय विधानमंडल है, उसके बाद में इनके जो सदस्य होते हैं, एनपीसी के सदस्य डिप्टी कहलाते हैं, डिप्टी भी कहा जाता है और डिप्टी भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य डिप्टी या डिप्टी कहलाते हैं, और यह क्या है, एक सदनीय व्यवस्थापिका है, डिप्टी कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, जो एनपीसी के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन व्यस्क मताधिकार द्वारा होता है, व्यस्क मताधिकार द्वारा उनको चुना जाता है। यहाँ पे देखिए, डिप्टी कितने होते हैं, डिप्टीज कितने होते हैं, इसके लिए देखिए, जो डिप्टीज है उनके सदस्यों का निर्धारण कानूनों के आधार पे किया जाता है। डिप्टीज के सदस्यों का निर्धारण कानूनों के आधार पर किया जाता है। और देखिए, लेकिन डिप्टीज कौन बनेगा, उम्मीदवार कौन बनेंगे, इस उम्मीदवारी की जो बात करता है वो कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, पूरे चाइना में जो एक नियंत्रण कह सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं, वो राष्ट्रीय वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का ही पूर्ण अधिकार रहता है। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय अधिकारियों द्वारा, जो मुख्य अधिकारी है कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय अधिकारियों द्वारा, उम्मीदवारों का नाम सजेस्ट किया जाता है, तो वही उम्मीदवार आगे जाके डिप्टी या डिप्टी बनते हैं। अभी देखिए, अब आता है, यहाँ पे हम कर रहे हैं एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही क्या करती है, राज्य परिषद का निर्माण करती है, राज्य परिषद। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कि राज्य परिषद का निर्माण एनपीसी द्वारा किया जाता है। तो शब्द आया है राज्य परिषद क्या है, तो हम आगे बढ़ने से पहले राज्य परिषद के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य परिषद क्या है। तो राज्य परिषद के बारे में देखिए, तीन सरकार के तीन अंग होते हैं, सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका, वहाँ पे व्यवस्थापिका एनपीसी है, और यहाँ जो राज्य परिषद है ये कार्यपालिका का ही नाम है, कार्यपालिका को ही राज्य परिषद कहा जाता है। चाइना की कार्यपालिका यानी राज्य परिषद, चाइना की व्यवस्थापिका यानी नेशनल पीपल कांग्रेस। इसी प्रकार से देखिए कि केंद्रीय जनवादी सरकार, केंद्रीय जनवादी सरकार राज्य परिषद का ही नाम है, अर्थात वहाँ की सरकार को क्या कहा जाता है, राज्य परिषद। केंद्रीय जनवादी परिषद भी कहा जाता है, कैबिनेट भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय सरकार का जो सर्वोच्च कार्यकारी अंग है, सरकार का जो सर्वोच्च कार्यकारी अंग है वह राज्य परिषद ही है। तो देखिए, राज्य परिषद में कौन कौन आते हैं, राज्य परिषद में सर्वोच्च स्थान
होता है पीएम का, किसका होता है पीएम का सर्वोच्च स्थान होता है, और उसके बाद में उप प्रधानमंत्री आते हैं, और उप प्रधानमंत्री के बाद में स्टेट काउंसिलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री, बहुत सारे प्रभारी मंत्री होते हैं, और उसके साथ में विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष भी राज्य परिषद में आते हैं, ऑडिटर जनरल व महासचिव भी इसी के अंदर आते हैं। तो देखिए, राज्य परिषद कुछ व्यक्तियों के समूह को लेकर बनता है और ये वहाँ की कार्यपालिका कहलाती है, सर्वोच्च कार्यपालिका कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न यदि 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि राज्य परिषद में किन किन को सम्मिलित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया जाता है, उप प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया जाता है, स्टेट काउंसिलर को सम्मिलित किया जाता है, मंत्रालयों के प्रभारी, आयोगों के अध्यक्षों को, और ऑडिटर जनरल और महासचिव को सम्मिलित किया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न यदि बनता है कि स्टेट काउंसिल में, यहाँ पे स्टेट काउंसिल भी कहते हैं इसे, स्टेट काउंसिल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, उप प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, और स्टेट काउंसिलर सम्मिलित होते हैं, प्रधान मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री और ये सब सम्मिलित होते हैं। ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर पूछा जाएगा कि स्टेट काउंसिल है क्या। स्टेट काउंसिल सरकार का सर्वोच्च अंग है, सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अंग है, और यहाँ पे देखिए केंद्रीय, इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय जनवादी सरकार कहा जाता है। अभी देखिए साम्यवादी दल इसमें होता क्या है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि पूरे के पूरे चाइना में साम्यवादी दल का बहुत अधिक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही अधिक नियंत्रण लिए रखता है, तो साम्यवादी दल ही शीर्ष पर होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनपीसी के सदस्य जो है, उम्मीदवारों को जो नाम देता है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही केंद्रीय अधिकारी देते हैं। यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय अधिकारियों द्वारा ही होती है, तो इनकी सिफारिश पे होती है। हालांकि करते तो यहाँ पे देखिए, राज्य परिषद का निर्माण राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा होता है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में दल की केंद्रीय समिति, दल यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा सिफारिश किया जाता है। किसका, राज्य परिषद का निर्माण। यहाँ पे राज्य परिषद कार्यपालिका, राज्य परिषद का निर्माण राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा होता है, है ना, इसका निर्माण इसके द्वारा होता है, लेकिन व्यवहार में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की सिफारिश के नाम पे एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस के समक्ष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो देखो एक बार और सुनाती हूँ कि एनपीसी में, एनपीसी क्या करती है, एनपीसी राज्य परिषद का निर्माण करती है, लेकिन व्यवहार में होता क्या है, जो दल की केंद्रीय समिति होती है, दल की केंद्रीय समिति की सिफारिश पर एनपीसी के सामने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो सिफारिश किसकी चली, दल के केंद्रीय, है ना, तो दल की केंद्रीय समिति द्वारा की सिफारिश पर करता है। करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, किसकी, पीएम की नियुक्ति करता है, एनपीसी के तो समक्ष करता है। यहाँ पे एनपीसी की भी बहुत अधिक नहीं चली, क्यों, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के ही केंद्रीय समिति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम केंद्रीय कम्युनिस्ट दल है उसकी केंद्रीय समिति सजेस्ट करती है। और यहाँ इवन प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही नहीं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सिफारिश पे करता है, कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की सिफारिश पर करता है। तो हमें एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए, स्पष्ट ये हो जानी चाहिए कि चाइना में
चाहे वह कार्यपालिका है, चाहे वह व्यवस्थापिका है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही ज़्यादा चलती है या ज़्यादा रोल अच्छा है, नियंत्रण ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी का ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक नोट डाल के मैंने लिखा है कि चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस नाम मात्र की विधायिका है, नाम मात्र की विधायिका है। क्यों? क्योंकि एनपीसी की एक स्थायी समिति होती है, नेशनल पीपल कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है और उस स्थायी समिति के पास में ही सर्वोच्च सत्ता होती है। जो स्थायी समिति होती है, एनपीसी की एक स्थायी समिति होती है, उसके पास में ही सर्वोच्च सत्ता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एनपीसी चाइना में एक नाम मात्र की विधायिका है, क्योंकि चलती किसकी है? एनपीसी की स्थायी समिति की। और स्थायी समिति का संबंध किससे होता है? कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष के नेताओं के साथ में संबंध होता है। तो कुल मिला के किसकी चली? कम्युनिस्ट दल की चली। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे राज्य परिषद चाइना की कार्यपालिका है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि साम्यवादी दल के जो शीर्ष और उच्च पदों पर जो नेता होते हैं, वही राज्य परिषद से भी संबंधित होते हैं। यहाँ हमने किया था एनपीसी की जो स्थायी समिति होती है, उसमें भी कम्युनिस्ट दल के ही मुख्य मुख्य नेता होते हैं। यहाँ हम राज्य परिषद में भी बात करते हैं कि राज्य परिषद में भी जो स्थायी समिति है, वहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे जो साम्यवादी दल के उच्च व शीर्ष के नेता संबंधित रहते हैं। कुल मिला के कम्युनिस्ट पार्टी की ही मुख्यतः चलती है, नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहता है। उसके बाद में राज्य परिषद का कार्यकाल, तो मैं दोनों का इकट्ठा बता देती हूँ कि राज्य परिषद का कार्यकाल भी एनपीसी के जैसे 5 वर्ष का होता है। राज्य परिषद भी एनपीसी के जैसे 5 वर्ष के कार्यकाल रखती है। राज्य परिषद भी एनपीसी व की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना, जो राज्य परिषद है, यह राज्य परिषद किसके प्रति? एनपीसी की ये जो स्थायी समिति है, इसके प्रति उत्तरदायी रहती है। एक बार और ध्यान से सुनिए, राज्य परिषद एनपीसी की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहती है। राज्य परिषद एनपीसी की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहती। कुल मिला के देखो, एनपीसी की स्थायी समिति महत्वपूर्ण है, लेकिन एनपीसी की स्थायी समिति और राज्य परिषद के में होता क्या है कि कम्युनिस्ट दल के जो शीर्ष और उच्च के अधिकारी या नेता होते हैं, वही उनसे संबंधित होते हैं, राज्य परिषद से और स्थायी समिति से। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि कुल मिला के चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की अधिक चलती है। तो देखिए, हम ये प्रश्न भी कर सकते हैं कि स्पष्ट करो कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की ही अधिक नियंत्रण रहता है या कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत नियंत्रण है। कैसे स्पष्ट करेंगे? तो इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक हो गया है चाइना की कार्यपालिका, यानी कि राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, और दूसरा टॉपिक हमारा हो गया है चाइना की विधायिका यानी नेशनल पीपल कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हमें करना है कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी का इतना अधिकार चाइना पे है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कैसे है, उसकी रचना कैसे हुई है, वो हम करेंगे। उससे पहले हमें एक बात और करना है कि चाइना में एनपीसी तो एक नाम मात्र की विधायिका है और ज़्यादातर चलती किसकी है? स्थायी समिति की। तो स्थायी समिति क्या क्या कार्य करती है, वो हम करेंगे कि अभी नेक्स्ट करेंगे कि स्थायी समिति के कार्य क्या क्या हैं।